हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन फॉर द सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वर्क फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, विच विल बी 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ जूल्स। तो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो, वर्क फंक्शन इज एच सी बाई लैमडा नॉट, वे लैमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, तो लैम्डा नॉट किसके बराबर होगा, एच सी बाई फाइव। तो वैल्यूज ही पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच सी की वैल्यू मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था 19.89 इंटू 10⁻²⁶ इन एस आई यूनिट्स अपॉन इट्स वर्क फंक्शन इन एस आई यूनिट विच विल बी 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 19.89 डिवाइडेड बाई 1.9 विच इज डिवाइडेड बाई 1.6, 6.542 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर्स। क्लियर? तो ये तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब देखो अगेन वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट किसके बराबर होगा बच्चा, वर्क फंक्शन अपॉन एच। तो वर्क फंक्शन है अपना 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ एंड एच होता है 6.632 इंटू 10⁻¹⁴। तो ये बनेगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 विच इज डिवाइडेड बाय 6.632, तो 0.558। इसको मैं लिख सकता हूँ 4.58 इंटू 10⁻¹⁴ माइनस 19, दिस विल बी 10⁻¹⁴ जूल्स, सॉरी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकालिए हर्ट्स। क्लियर? अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द सीजियम एलिमेंट इज रेडिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी। तो देखो, हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोवाइड की, ठीक है? तो हमें पता है जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहता है। तो एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की वो है एच सी बाई लैमडा विच इज 500 नैनोमीटर, 10⁻¹⁹ मीटर बेसिकली, एंड वर्क फंक्शन प्रोवाइडेड वॉज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विच इज 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं पूरी, ये वैल्यू बनेगी 19.89 डिवाइडेड बाई 500, 0.039 इंटू 10⁻²⁶ प्लस 9, दिस विल बी 1.9 इंटू 1.6, 3.04 इंटू 10⁻¹⁹ प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हेयर ऑन सॉल्विंग दिस विल बी 26 माइनस 9 माइनस 17, तो 3.9 इंटू 10⁻¹⁹ माइनस 3.04 इंटू 10⁻¹⁹। तो ये बन जाएगा 3.9 माइनस 0.86 इंटू 10⁻¹⁹ जूल्स। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस विल बी 8.6 इंटू 10⁻¹⁰ जूल्स। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वेलोसिटी भी पूछा है, वेलोसिटी के लिए हाफ एम वी स्क्वेयर लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हाफ एम वी स्क्वेयर इज काइनेटिक एनर्जी एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है एंड वेलोसिटी भी हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की ही निकालनी है। 8.6 इंटू 10⁻²⁰। तो ऑन सॉल्विंग पहले यहाँ से वी स्क्वेयर कैलकुलेट कीजिए, वी स्क्वेयर आएगा आपका 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 9.1, 1.89 इंटू 10⁻¹⁹ तो नहीं बचे, सॉरी 11 इंटू 10⁻¹⁹। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी 18.9 इंटू 10⁻¹⁰। अब 18.9 का आप अंडर रूट ले लीजिए एंड अंडर रूट लेने से हमारे पास यहाँ पे वी वैल्यू आ जाएगी। तो 18.9 रेज टू द पावर 0.5
सो दिस विल बी 4.34, तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से 4.347 इंटू 10^5 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गए। थैंक यू।